साथियों, आप सब जानते हैं कि आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी को याद करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मरते दम तक उनके आदर्शों पर चलेंगे। और उनका आदर्श था सत्य और अहिंसा, न्याय और एकता। और उनकी जो एकता की बात थी, उस एकता की बात के चलते ही जिनके आखिरी क्षण में भी मुंह से हे राम निकला था, उनको एक आतंकवादी कायर नाथूराम ने हत्या करने का काम किया था। यह आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, यही साजिश किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे, मंदिर मस्जिद करवाते थे और फूट डाल करके हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। एक बार फिर से जो लोग आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, जो जेलों में नहीं गए, फांसी पे नहीं चढ़े, वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दी पर बैठ करके फिर से लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। बोलिए, ऐसा है कि नहीं है? नफरत फैल रहा है ना? कौन फैला रहा है? नहीं नहीं नहीं, मोदी अकेले उसमें शामिल नहीं है, उसके साथ वो सब लोग शामिल हैं जो आज समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई। आजादी दिलाई कि नहीं दिलाई? देश आजाद है ना? कौन आजाद कराया देश को? कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। और आज एक बार फिर से जब देश में नफरत फैल रही है, उस नफरत के खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चले वो, और उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, इस समाज के भीतर जो न्याय है, लोगों का जो हक है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। राहुल जी ने कहा कि अगर देश में नफरत फैल रही है तो हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो पद यात्रा की। जब भारत जोड़ो पद यात्रा हो गई, तब यह प्रश्न हमारे सामने था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे यह देश ताकतवर बनेगा, इस देश को शक्ति मिलेगी। और यह जो आजकल रोजगार विहीन समझते हैं ना, रोजगार विहीन का मतलब यह है कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। समझते हैं ना रोजगार विहीन विकास का मतलब? या जो रोजगार विहीन विकास है, इस रोजगार विहीन विकास में इस देश के जो आम आवाम है, उनके बच्चों का, उनके जीवन यापन का मुद्दा कैसे हल होगा? इसीलिए यह बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई कि समाज के हर तबके को भागीदारी देना पड़ेगा। और भागीदारी देने के लिए यह जरूरी है कि हमको देखना पड़ेगा कि समाज की रीढ़ किनको माना जाता है, देश का रीढ़ किसको माना जाता है। आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, भारत सबसे युवा राष्ट्र है,
लेकिन इस देश के युवाओं के साथ अभी यह हो रहा है कि आप पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी नहीं मिलता है। जब एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पैसा लेकर के, घूस लेकर के सीट बेच दिया जाता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? चूंकि हमारे माँ बाप किसान हैं, चूंकि हमारे माँ बाप शिक्षक हैं, हमारे माँ बाप साधारण परिवार के लोग हैं, साधारण इनकम के लोग हैं, तो हमारे भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। बताइए, नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, डीएम साहब का बेटा डीएम बनेगा, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। बोलिए, किसान का बच्चा किसान बनना चाहता है? क्यों नहीं बनना चाहता है? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि इस देश की हकीकत यह है कि हर घंटे दो किसान आत्महत्या करते हैं, हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या करता है, हर मिनट किसी महिला के साथ कोई ना कोई अपराध होता है। आए दिन हमको यह सुनने को मिलता है कि जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर लगातार हमले होते हैं, उनका अधिकार छीना जाता है। देश की इस परिस्थिति को देखते हुए, जब बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, महंगाई आसमान छू रहा है, आप लोगों को याद था ना, पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? 50 रुपया में। अब कितना में मिलता है? 100 रुपया में। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सरसों का तेल पहले कितना में मिलता था? 80 रुपए किलो। अब कैसे मिलता है? 200 रुपये किलो। बोलिए, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, जवानों की आत्महत्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेकारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, तब इस देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को यह सोचना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या है। आप सोचिए कि अगर इस देश के नेता चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों का भविष्य बना रहे, तो इस देश के किसानों को, इस देश के गरीबों को भी यह सोचना पड़ेगा कि उनके बाल बच्चों का भविष्य कैसे बना रहेगा। इसीलिए इस देश की परिस्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने यह तय किया है कि हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मणिपुर से चल करके बिहार की महान भूमि पे पहुंची है। बोलिए, बिहार महान है कि नहीं है? लेकिन आजकल बिहार को बदनाम भी कर दिया गया है। बदनाम नहीं कर दिया गया है? आज हमको मीडिया के एक साथी पूछ रहे थे कि नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले, सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका जो हक और अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए संघर्ष करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की, बात है लोगों के लिए न्याय की। और हमारा यह मानना है, हमारी पार्टी की यह मानना है कि अगर हम इस देश को शक्ति देना चाहते हैं, अगर हम बिहार को शक्ति देना चाहते हैं, तो हमको 5 प्रकार के न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। कितने प्रकार की न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी? हाथ उठा करके बताइए। अरे डरिए नहीं, आप नेता छोड़े हैं कि ईडी से घबरा जाइएगा, आप तो आम जनता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? 5 प्रकार के न्याय की जरूरत पड़ेगी। कितने प्रकार की? और वो 5 प्रकार का न्याय ये है कि हम चाहते हैं कि इस देश में नारी को न्याय मिले, भागीदारी का न्याय मिले, युवाओं को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले और मजदूरों को न्याय मिले। बोलिए, आपको ये 5 न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोगों को चाहिए? अगर सब लोग यह 5 प्रकार का न्याय चाहते हैं, तो हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, इस देश में
कुछ भी इस देश के आम लोगों को कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिला है। हमारी आजादी के लिए भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिहार के लोग जानते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और एक बात आप लोगों ने सुना होगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसीलिए अपने हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। और हमारे देश के आम आवाम को, बिहार के आम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार हमारे देश के नौजवानों के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आप सब सोच करके बताइए, अग्निवीर लाई सरकार और अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या सिपाही जी, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा? लीजिएगा 4 साल का नौकरी। और यहां मंच पे बहुत सारे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे एमपी साहब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए, बेईमानी है कि नहीं है? ये अगर बेईमानी है तो बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं, चौथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, और पांचवा इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, और उस संविधान की ताकत यह है कि डीजीपी का वोट एक होता है ना? क्या बोलिए सिपाही जी, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, डीजीपी का वोट एक होता है ना, और आपका भी वोट एक होता है, मुख्यमंत्री का भी वोट एक होता है, और रिक्शा चलाने वाले का भी वोट एक होता है, जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। या जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो आपको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और आपको इस सवाल का जवाब इस देश की हुक्मरान से पूछना पड़ेगा कि आप एमपी बनिएगा 5 साल के लिए, आप मिनिस्टर बनिएगा 5 साल के लिए, आप प्रधानमंत्री बनिएगा 5 साल के लिए, और हमको सेना में देखिएगा 4 साल का नौकरी, या नौकरी हमको बर्दाश्त नहीं है, हमको आपको परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा, ठेके की नौकरी बंद करनी पड़ेगी। और जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, अगर नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो आपको शिक्षकों को भी पेंशन देना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में भी काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। अगर इस देश के पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, उनके फसल का पूरा दाम देना पड़ेगा। अगर इस देश में सबको न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है तो हम कहते हैं कि मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा। रोज बरोज नया जो है ड्रामा गढ़ करके लोगों का अधिकार ये छीन रहे हैं। आप लोग जादूगरी देखे हैं ना, कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा। टीवी आजकल हमारे साथ वही कर रही है, जब भी आप टीवी खोल करके देखिएगा आपके मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बहस चलेगी, कौन शपथ ले रहा है कौन शपथ नहीं ले रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों के मुद्दों को भटका करके, और आम लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, रोटी का सवाल, कपड़ा का सवाल, मकान का सवाल, इन सवालों को गुमराह किया जाता है। इसीलिए हम पूर्णिया के आम लोगों को और बिहार के आम लोगों को एक अपील करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिलता है, तो हमको अपने न्याय के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? न्याय करेंगे अपने साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ? तो आखिरी बात बोल करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मैं पहली बार रंगभूमि मैदान में नहीं आया हूं,
ये तीसरी बार है जो मैं रंगभूमि मैदान में आप तमाम लोगों के बीच में आया हूं। मंच अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन मुद्दा वही है। और तब भी हमने आपसे वादा किया था कि इस देश की आजादी पे जब जब आंच आएगी, आपका बच्चा जो आपका नमक खाया है, आपके हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। इसीलिए आप तमाम बिहार वासियों को, पूर्णिया वासियों को, सीमांचल वासियों को अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को पांच न्याय के लिए, इस देश की शक्ति देने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में अगर हम संघर्ष करेंगे तो जरूर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार, जय कांग्रेस। न्याय का हक मिलने तक।